स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल बने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया मशीन जो कि DRS ब्रांड का है। दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों, DRS इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है जो कि मेड इन जर्मनी की है दोस्तों, और इसमें आपको 2 साल वारंटी मिलेगा। DRS ग्राउंड एक्सपर्ट प्रो नाम है मशीन का। और दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको DRS ग्राउंड एक्सपर्ट प्रो जो है यूज करना है और कैसे अलग अलग मेटल को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो दोस्तों जो है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो दोस्तों उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों, हम जो है मशीन की तरफ लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसे जो है DRS ये अलग अलग मेटल को कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है और DRS ग्राउंड एक्सपर्ट प्रो हर मशीन से अलग क्यों है। ठीक है दोस्तों, ये जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन है दोस्तों, और जो आपको जो फंक्शन इस मशीन में आपको मिलेगा दोस्तों, वो फंक्शन आपको किसी भी मशीन में नहीं मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम आपको जो है डिस्प्ले दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टैबलेट की तरफ लेकर चलता हूँ, ये है इसका टैबलेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐप होता है जो है कि ग्राउंड एक्सपर्ट के नाम से ऐप होता है। ठीक है, ये इसकी बैटरी होती है जो कि ऑलमोस्ट जो है 10-12 घंटे का इसका जो है बैटरी बैकअप होता है। ये इसका सिस्टम बॉक्स है, आप देख सकते हैं DRS ग्राउंड एक्सपर्ट प्रो है दोस्तों। ठीक है, ये मैं यूज सिस्टम है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास ये नया पैकेट है, ठीक है, अभी हमारे पास ये रखा हुआ था दोस्तों, तो मैं वीडियो आपको इसी में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी मैंने मीडियम कॉइल अटैच कर रखा है। तो अभी हमारे पास जैसे कि 2 मेटल है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं मशीन को यहाँ से ऑन करता हूँ। मशीन को मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद मैं टैबलेट को जो है, ये है इसका सॉफ्टवेयर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी जो है ये ओपन हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए मीडियम साइज कॉइल जो है, जो भी कॉइल आप कनेक्ट करेंगे, इसमें 3 कॉइलें आती हैं, तो वो वहाँ पर शो हो जाएगी कौन सी कॉइल आपने अटैच कर रखी है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, हमें ग्राउंड बैलेंस सेट करना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए जो है ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले जो है ऑल मेटल है इसका। ऑल मेटल पर दोस्तों क्या होता है कि चाहे जो भी मेटल हो, चाहे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल या जो भी मेटल होगा, वो ऑल मेटल पर सभी मेटल को शो करेगा। गोल्ड है, हाई वैल्यूबल है और वैल्यूबल है, और आयरन है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आपको नॉन फेरस मेटल सर्च करना, जैसे गोल्ड है, ठीक है, अगर आपको स्पेशली गोल्ड ही सर्च करना है तो चाहे तो आप ऑल मेटल को भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या आपको जैसे नॉन फेरस मेटल ही सर्च करना है तो नॉन फेरस मेटल को जो है आप ऑन कर लीजिए। अगर आपको जो है आयरन पता करना है तो ऑल मेटल और आयरन, अगर आयरन होगा तो आयरन पर ब्लिंकिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने गोल्ड, हाई वैल्यूबल और जो है वैल्यूबल को ऑन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास ये देखिए जो कि ये तांबा है। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ना था, ऐसे देखिए। देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास ये मेटल है। ठीक है, मैं इसे लगा रहा हूँ, अब देखते हैं, आप डिस्प्ले देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि अगर बड़ा मेटल है, ठीक है, तो हाई वैल्यूबल में और वैल्यूबल में दोनों में शो कर रहा है, क्योंकि ये नॉन फेरस मेटल है। अब जैसे सपोज दैट ये है मेरे पास लोहा है, ठीक है, बाट है 100 ग्राम का। अब इसको देखिए दोस्तों, ये जो है आयरन है, तो ये कभी भी जो है गोल्ड पर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये है। अब मैं इसको जो है अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, ये स्टील है, तो देखिए बिल्कुल दोस्तों ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है। जैसे कि अगर मैं कोई अदर मेटल भी लगाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं दोस्तों जिसमें जो है गोल्ड बताता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ, ये जैसे फोन है, ठीक है दोस्तों, ये फोन है, अगर मैं फोन को लगा रहा हूँ, देखिए गोल्ड दिखा रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों अब क्या है कि कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी, ये तो गोल्ड दिखा रहा है लेकिन गोल्ड है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 नंबर को मैं ऑन कर दूंगा और फिर से मैं उसी सेटिंग पर चला जाऊंगा। अब मैं फिर से इसी को लगा रहा हूँ, अब देखिए ठीक है, अब गोल्ड नहीं शो करेगा क्योंकि ये गोल्ड नहीं है। तो इस तरह जो है आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। गोल्ड रहेगा तो गोल्ड पे आवाज़ करेगा, ओनली गोल्ड पर ही ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है। अब जैसे कि जो है मुझे आयरन पता लगाना है, ठीक है, तब ये आयरन है, देखिए बाट लगा रहा हूँ तो कितना अच्छा आयरन पर ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों जैसे कि अगर हमें इमेजिंग सिस्टम में जाना है, ठीक है, तो मैं इमेजिंग सिस्टम को ऑन करूँगा। सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने कोई मेटल को जैसे सर्च कर दिया, ये देखो आयरन है हमारे पास है, ठीक है। अब मैं इसे जो है सर्च कर रहा हूँ और आयरन दिखा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आयरन शो कर रहा है। अगर मुझे जो है इसे स्कैन करना है क्या चीज़ है, तो हमें जो है इमेजिंग में जाना होगा। इमेजिंग में जाने के बाद क्रिएट इमेज करना होगा, ठीक है। अब जैसे उस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर दिखाइए, तो यहाँ पर एक बटन होता है, हमें एक बार इसे पुश करना पड़ेगा, तो वहाँ पर देखिए 0% आ गया, ठीक है। अब जैसे जो है दोस्तों हमें इस बटन को जो है दबा करके रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें 100% तक जब तक ना हो जाए तब तक स्कैन करना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है आयरन, आयरन का रेड कलर से होता है, जैसे ये बाट है, ठीक है, तो उतना बड़ा जो है स्कैन कर लिया, तो आप जो है इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है। हाँ तो दोस्तों देखा आपने जो है कैसे ये अलग अलग जो है मेटल को डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये DRS ग्राउंड एक्सेल प्रो जो ये फंक्शन आपको दोस्तों इस मशीन में मिलेगा, इस तरह का फंक्शन आपको किसी भी मशीन में नहीं मिलेगा दोस्तों। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों अगर आपको जो है DRS ग्राउंड एक्सेल प्रो जो है आपको खरीदना है, तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप कोई अदर मशीन जो भी आपको मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करना है दोस्तों, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से नया लेकर के आते हैं कोई दूसरी मशीन। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।